तो अब अपन आज अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ठीक है थोड़ा मतलब नीट का एग्जाम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन अपन नीट में आया हुआ है तो अपन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है ये बोल रहा है, ऑन द मिक्सिंग 10 ml ऑफ CCl4, अपन 10 ml CCl4 को मिक्स करते हैं 10 ml ऑफ बेंजीन, अपन इसमें CCl4 प्लस बेंजीन दोनों को 10 ml मिक्स करते हैं, तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या होगा। उनमें से एक ऑप्शन है आपको देखिए, ग्रेटर देन 20, लेस देन 20, इक्वल टू 20, कांट से, क्लियर। तो इनमें से आपका क्या आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखिए क्या होता है, जब अपन 10 ml CCl4 को और 10 ml बेंजीन को जब अपन मिक्स करते हैं, जब 10 ml CCl4 को और 10 ml बेंजीन को मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, अब ये जो हमारा यहाँ पे जो सोल्यूशन है, अब ये जो हमारा सोल्यूशन है, दो टाइप का सोल्यूशन होगा, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। यदि आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल टू 0 था, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सचर नॉन 0 था, मतलब कि आइडियल सोल्यूशन के लिए आप जितना मिक्स करोगे उतना ही वॉल्यूम रहेगा, नो चेंज वॉल्यूम में, नो चेंज। नॉन आइडियल में भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है नॉन आइडियल में पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, मतलब कि यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है, लेकिन CCl4 और बेंजीन का जो मिक्सअप होता है ये बेटा आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। कैसा बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, और यदि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो इसमें से क्या होगा, आप यदि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो फिर इसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, प्लस होगा, इसका आंसर जाएगा 20 ml, तो आंसर जाएगा इसका 20 ml, क्लियर हुआ।